हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ रीमा। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी मीशो ऑक्सीडाइज ज्वेलरी हॉल, जहां पे मैं आपको दिखाऊंगी कुछ ऑक्सीडाइज इयररिंग्स एंड एक नेकलेस की सेट। मीशो पे आपको बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में बहुत ही अच्छी अच्छी सी ज्वेलरी आपको मिल जाएगा। आप चाहो तो चेकआउट कर सकते हो। आज मैं जो भी ज्वेलरी आपको दिखाऊंगी वो सारी की सारी 200 के अंदर में ही है, एंड उसका जो फिनिशिंग एंड क्वालिटी है वो भी बहुत ही अच्छी है। तो चलिए शुरू करते। बट जाने से पहले, अगर मेरे वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेगा एंड मेरे वीडियो को एक लाइक, एंड आप कमेंट करके बोल सकते हो नेक्स्ट आप कौन सा टॉपिक के ऊपर वीडियो देखना चाहते हो। तो चलिए शुरू करते। तो फर्स्ट मैंने लिया है इस इयररिंग्स। सो गाइस, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल एंड बहुत ही प्रीटी है। मीशो पे इसका इमेज देखते ही मैं उसी वक्त ऑर्डर प्लेस कर दिया था। आई लव दिस इयररिंग्स, सो प्रीटी। इसका नीचे इस तरीके से झुमका भी मिलेगा। काफ़ी डिफरेंट सा पीस लगा मुझे, एंड ये बिल्कुल भी हेवी नहीं है, बहुत ही लाइट वेट है। किसी भी कुर्ती के साथ इसको पहनोगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा। मुझे तो ये बहुत पसंद आई। आई लव दिस इयररिंग्स, सो प्रीटी। सो गाइस, उसके बाद मैंने लिया है इस इयररिंग्स को। आप देख सकते हो ये भी एक बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल इयररिंग्स है। यहाँ पे आपको एक बिग मिरर मिल जाएगा, एंड यहाँ पे छोटे छोटे कुंदन्स का काम हुआ है, एंड नीचे थोड़ा सा पल्स लगा हुआ है। आप किसी भी हाईनेक कुर्ती या टॉप के साथ इस टाइप का इयररिंग्स कैरी करोगे तो बहुत ही सुंदर लगने वाला है। एंड ये भी बिल्कुल भी हेवी नहीं है, बहुत ही लाइट वेट है, एंड इसका जो क्वालिटी एंड फिनिशिंग है वो भी काफ़ी अच्छी है। आप देख सकते हो, मुझे तो ये भी इयररिंग्स बहुत ही सुंदर लगा। एंड साड़ी की साड़ी जो ज्वेलरी है वो 200 के अंदर ही है। अगर टीनेजर्स भी इस टाइप का इयररिंग्स परचेस करना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये बजट के अंदर ही है। बहुत दिनों के बाद, करीब 1 मंथ के बाद आज मैं शूट पे बैठी हूँ, तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड मुझे सपोर्ट करिएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट इयररिंग्स के ऊपर। नेक्स्ट जो इयररिंग्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी वो भी बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल एंड बहुत ही प्रीटी एक इयररिंग्स। गाइस, मीशो पे इसका इमेज देखते ही मुझे बहुत ही अच्छा लगा था, बट उसी टाइम उसका जो प्राइस था ज़्यादा हाई था, तो मैंने उसको विश लिस्ट पे रखा था। तो जैसे ही उसका प्राइस थोड़ा कम दिखा उसी वक्त मैंने इसको ऑर्डर प्लेस कर दिया था। तो चलिए आपके साथ शेयर करती हूँ। तो गाइस, ये थी वो इयररिंग्स। आप देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल एंड बहुत ही प्रीटी इयररिंग्स है। गाइस, मुझे तो ये बहुत पसंद आया, एंड शायद ये आपको देखने में ज़्यादा हेवी लग रहे, बट ये बिल्कुल भी हेवी नहीं है, बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट है। आई लव दिस इयररिंग्स गाइस, सो प्रीटी। किसी भी हाईनेक कुर्ती के साथ आप इसको कैरी करोगे तो काफ़ी अच्छा लगेगा। तो ये थी मेरा थर्ड इयररिंग्स। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके बोल सकते हो। पहले भी एक मीशो ज्वेलरी हॉल वीडियो मैं आपके साथ शेयर करी थी, उसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप चाहो तो चेकआउट कर सकते हो। एंड साड़ी की साड़ी की ज्वेलरी का जो कोड नंबर है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। सो गाइस, ये तीनों जो इयररिंग्स मैं आपके साथ शेयर करी हूँ, ये थोड़ा झुमका टाइप इयररिंग्स था। अब मैं आपके साथ एक सिंपल रिंग शेयर करूँगी। एंड साड़ी की साड़ी जो ज्वेलरी है इस टाइप का बॉक्स के अंदर पैकेजिंग होकर आया था, एंड इसी टाइप का बॉक्स के अंदर आप बहुत दिनों तक ज्वेलरी को स्टोर करके रख सकते हो। नेक्स्ट आपके साथ मैं शेयर करूँगी एक सिंपल रिंग्स, एंड वो है ये। आप देख सकते हो एक ब्लैक के ऊपर है एंड एक सिल्वर के ऊपर है। अगर आप कॉलेज गोइंग गर्ल्स हो तो इस टाइप का इयररिंग्स को पहन के आप कॉलेज जा सकते हो, किसी भी कुर्ती या किसी भी टॉप के साथ। सो गाइस, उसके बाद मैंने लिया है एक इयररिंग्स का सेट, एंड वो कुछ इस तरीके का दिखता है। वेडिंग फंक्शन में आप किसी भी साड़ी या लहंगा के साथ इसको पहनोगे तो बहुत ही सुंदर लगेगा। एंड इसके साथ कुछ इस तरीके का एक मांगटीका भी आपको मिल जाएगा, एंड यहाँ पे छोटे छोटे मिरर का वर्क आपको मिल जाएगा, एंड इसका जो टोटल लुक है वो भी बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल एंड प्रीटी है। एंड इसका जो फिनिशिंग एंड क्वालिटी है वो भी काफ़ी अच्छी है। यहाँ पे जो मिरर आपको मिल जाएगा वो भी बहुत ही अच्छी तरीके से सेट किया हुआ है। मैं आपके साथ शेयर करूँगी इस इयररिंग्स को। गाइस, आप देख सकते हो ये भी बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल एंड बहुत ही प्रीटी इयररिंग्स है। मैं किसी भी मेकअप लुक करने के लिए इसको परचेस किया था, एंड पहले भी इस सेम इयररिंग्स मेरे पास एक और भी था, एंड वो थी रेड कलर की।
सेम ईयरिंग्स गाइस, एंड इसका जो क्वालिटी है वो भी काफ़ी अच्छी है। एंड ये तो छोटे छोटे पर्ल्स लगा हुआ है, आप देख सकते हो। किसी भी साड़ी या किसी भी अनारकली कुर्ती के साथ आप इसको कैरी करोगे तो काफ़ी ब्यूटीफुल लगेगा। एंड इसका जो प्राइस है वो भी 200 के अंदर में ही है। मैंने सारी ज्वेलरी का जो प्राइस है साइड में मेंशन कर दूंगी। साड़ी की साड़ी जो ज्वेलरी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो साड़ी अफोर्डेबल होने के साथ साथ उसका जो क्वालिटी एंड फिनिशिंग है वो भी काफ़ी अच्छी है। एंड शायद देखने में आपको बहुत ही ज़्यादा हेवी लग रहे हैं, बट बिल्कुल भी हेवी नहीं है, बहुत ही लाइट वेट है। एंड साड़ी की साड़ी ज्वेलरी के अंदर आपको कौन सा ईयरिंग्स ज़्यादा पसंद आई मुझे कमेंट करके बोल सकते हो। सो गाइस, लास्ट मेरे पास एक और भी ईयरिंग्स है एंड वो कुछ इस तरीके का दिखता है। एंड बहुत ज़्यादा लाइट वेट है गाइस, आप देख सकते हो। एंड यहाँ पे आपको एक झुमका भी मिलेगा। एंड यहाँ पे कुछ राउंड शेप का दिया हुआ है। एंड इस तरीके का जो ईयरिंग्स है गाइस, आप किसी भी कुर्ती के साथ इसको कैरी करोगे तो काफ़ी अच्छे लगने वाला है। एंड इसका क्वालिटी एंड फिनिशिंग भी काफ़ी अच्छी है, आप देख सकते हो। इस लास्ट मेरे पास एक और भी नेकलेस का सेट है एंड उसका जो क्वालिटी एंड फिनिशिंग है वो भी काफ़ी अच्छी है। तो चलते हैं, आपके साथ शेयर करती हूँ। वो कुछ इस तरीके का दिखता है, आप देख सकते हो गाइस। एंड इसमें और भी कलर आपको अवेलेबल मिल जाएगा, रेड, ब्लू, येलो। तो मुझे रेड काफ़ी अच्छा लगा। मैं इसको किसी साड़ी के साथ मेकअप करने के लिए मैं इसको लिया था। एंड इसके साथ छोटे छोटे 2 ईयरिंग्स भी है। एंड वो कुछ इस तरीके का दिखता है, आप देख सकते हो गाइस। बट इसका जो ईयरिंग्स है वो मुझे उतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगा, बट आप किसी टॉप के साथ इसको कैरी कर सकते हो। सो गाइस, ये था मेरा आज का मीशो ज्वेलरी हॉल वीडियो। आपको कौन सा ज्वेलरी सबसे ब्यूटीफुल लगा ज़रूर मुझे कमेंट करके बोलना। एंड नेक्स्ट आप कौन सा टॉपिक के ऊपर वीडियो देखना चाहते हो वो भी मुझे बोल सकते हो। एंड अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइज, टेक केयर एंड लव यू।